क्या घटना घटित हुई? देखिए, बख्तियारपुर के टेटाबिगा गांव में कुछ 8-9 बच्चे, यहाँ पानी लगा हुआ है, नदी का भी पानी इसमें आता है, तो 8-9 बच्चे अपना तैरने नहाने जिस कारण से भी आए थे, इसमें लगभग कुछ बच्चे तैर के बाहर आ गए और अभी तक जो पता चला है 4 बच्चे पानी में डूब गए हैं। इस संबंध में SDRF की टीम को भी पटना से बुलाया गया है और जो लोकल गोताखोर हैं उनसे भी हम लोग संपर्क करके बुला लिए हैं। तो लोकल गोताखोर जस्ट 5 मिनट पहुंचने वाले हैं और वहां से SDRF का भी टीम पटना से चल दिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जा रहा है और जो भी कंपनसेशन परिवार को मिलना है, जो भी आर्थिक लाभ, उसमें भी हम लोग इसको जल्दी करा के जो भी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो हम लोग लगकर जल्द से जल्द करवाएंगे और जो परिवार के साथ जो मदद होना है वो हम लोग जरूर करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि सर इधर मिट्टी अवैध रूप से कटिंग कर लिया, उसी का गड्ढा के कारण ये घटना घटित हुआ। देखिए, अब इसका पता लगाया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी कि इस संबंध में क्या मामला है, किस प्रकार की मिट्टी कटाई हुई थी, उस संबंध में अगर जांच के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे, अपेक्षित जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक ठीक कैसे घटना घटित हुई? बच्चा है, सब इंटर में पढ़ने वाला था और सुबह में जो है अपने सब दोस्त था, सब चला आया इधर। अब उन लोगों को पता नहीं था कि गड्ढा है, पानी है, इधर आ गया, डूब गया। ग्रामीणों का आरोप है सर के प्रशासन उचित काम नहीं कर रहे हैं, न गोताखोर आए हैं, न तमाम अभी तो नहीं आया है, अधिकारी आए हैं लेकिन गोताखोर नहीं आया, तो दुखद का बात है, अच्छी बात तो है नहीं, बहुत दुखद बात है कि 2-3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम लोग जनसंपर्क में हैं, जल्द बुलाने का, वहीं से अभी बैठे हुए हैं और हम लोग संपर्क कर रहे हैं और वहाँ पदाधिकारी बता रहे हैं कि रास्ते में चल रहा है, बाजार में है, इधर ही है। बहुत बड़ा दुखद घटना है, चारों इंटर में पढ़ने वाला बच्चा था, इतना बड़ा सब अनमोल जो है मेरे गाँव में, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा दुख है, मैं क्या कहूँ, विशेष बहुत दुखद दिन है आज मेरे गांव के लिए, बहुत दुखद दिन है। पूरा पर्ची क्या सिंह एक्स एम एल ए भाजपा।